नहीं, वास्तविकता तो यह है कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही और पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश ने देखा कि इन लोगों ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना के रखा था। लॉ एंड ऑर्डर, कानून की व्यवस्था चरमरा गई थी। लूट, हत्या, अनाचार, दुराचार, बलात्कार सभी सीमा रेखाएं छत्तीसगढ़ में पार करके रख दिया था और उसका परिणाम भी हुआ। जनता ने इसको देखा और जनता ने और इसका परिणाम भी दिया सरकार से हटा के। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी के सुशासन में और बड़ी प्रतिबद्धता के साथ कि बहुत ही स्वच्छ पारदर्शी सरकार, जनता के हितों की सभी प्रकार से सुरक्षा करने वाली सरकार। और अभी तो ये आचार संहिता लगने के बाद आप देखिए किस तेजी से सभी काम सुचारू और व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभी तक तो उन्हीं की जवाबदेही होनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ को जिस चौराहे पर खड़ा करके रखा उन्होंने, और आज पॉलिटिकल उसके लिए इस तरीके से ये घेरा और ये धरना और ये प्रदर्शन, तो जनता तो समझ रही है, सब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में और सभी व्यवस्थाओं को समुचित रूप से व्यवस्थित करके चलेगी।